एक छोटा सा तकाबली मंजर आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि 1934 में जमात किस मैदान में, किस मेयार पर थी, और आज 73 साल गुजरने के बाद खुदा के फजल व करम से ये किस बुलंदी पर पहुँच चुकी है। मसलन जमात अहमदिया 1934 में 5 या 6 ममालिक में कायम थी, लेकिन अब फजल खुदा 189 ममालिक में कायम है। 1934 में जमात अहमदिया के पास कोई गैर मुल्की ज़बान में तर्जमा मौजूद ना था, मगर अब खुदा के फजल से 64 ज़बानों में कुरान मजीद की इशाअत हो रही है। अफ्रीका को तालीम की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए आज वहाँ तारीख जदीद के ज़रिए सैकड़ों तालीमी इदारे कायम किए जा चुके हैं जो 1934 में वजूद में ना थे। आज बफजल खुदा 189 ममालिक में हज़ारों अहमदिया मसाजिद नज़र आती हैं, जबकि 1934 में चंद एक मसाजिद थी। आज दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए 39 अस्पताल खिदमत में मसरूफ हैं जो पहले ना थे। ममालिक बैरून में करोड़ों शहीद सबा लोग जमात में शामिल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान के अलावा करीबन 10 ममालिक में जामे अहमदिया कायम हो चुके हैं। पहले हमारे पास सिर्फ पहले कादियान में था, फिर हिजरत के बाद रवा में एक जामे अहमदिया कायम हुआ, लेकिन अब खुदा के फजल से 10-11 जामियात वजूद में आ चुके हैं, जो कि इंग्लैंड में भी है, कनाडा में भी है, इंडोनेशिया में भी है। इसी तरह 11 के करीब जामे अहमदिया खुदा के फजल से वजूद में आ चुके हैं, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। खुदा के फजल व करम से हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम का जो नूरानी लिटरेचर है उसको सारी दुनिया में फैलाना है। अभी तो हम 189 ममालिक में पहुंचा सके हैं, लेकिन खुदा के फजल व करम से सारी दुनिया में इस नूरानी लिटरेचर को फैलाना है। कुरान करीम के तराजम की इशाअत जो 64 ज़बानों तक है, इसी तक हमने महदूद नहीं रहना। तारीख जदीद ने खुदा के फजल से जल्द अज़ जल्द बहुत ज़्यादा तादाद में कुरान करीम की इशाअत करनी है उनकी अपनी अपनी ज़बानों में। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया में तकरीबन 6,500 ज़बानें हैं, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक जदीद के सामने कितना वसी और कितना मुश्किल काम है। अल्लाह ताला बहरहाल हमें इसकी तौफीक देगा, और ये एक मुनासिब मनसूबे के मातहत हर काम अमल में आ रहा है।